गुड मॉर्निंग कैप्टन डिमेट्रिस, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ इटली में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। ये एक सीक्रेट है कैप्टन डिमेट्रिस, मुझे माफ करना, लेकिन ये वाकई एक सीक्रेट है। हाँ, पर तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? दामिर कहाँ है? ये काम कर रहा है। दामिर, तुम्हारे पास तो होटल भी नहीं है। उस आइलैंड को तैयार करने के लिए तुम्हें सदियां लग जाएंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगा। अगर मैं डैडी से कहकर शिप्स चालू करवा दूं, मैंने कहा अगर, तो तुम तैयार रहना। अब बस भी करो, बदमाश कहीं के। माय गॉड, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। No, I'm not beautiful. I'm handsome. हाँ, okay, मिल जाएंगे तुम्हें ships, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम beautiful हो। मैं handsome हूँ, पर तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। I got a dream now. I'm gonna make it come true. I'll plan each scheme now. I'll do everything I can do. White ships with tourists will bring new prosperity for my island, for my island. Has a daydream, so the doubters say. Soon those dreams will be realities. It all starts today. We'll work to build the future. All it takes is faith in dreamers. People of my island, the future is ours to hold. I'll go home and show my island how to turn straw to gold. Excuse me? Yes. मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे बताएंगे ये टब कितने का है? ये बहुत बहुत महंगा है। ये देखो, यहाँ कीमत लिखी है। इतना महंगा? मैं सोच रही हूँ मेरी हैसियत से ज्यादा। हाँ, है। वो तो है। मैं नहीं मानती, आपके ख्याल से मैं आइलैंड की मामूली लड़की हूँ, है ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, पर मेरे पास पैसे हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस टब की कीमत बताएं। देखिए, ये टब पेरिस के एक बहुत ही शानदार कारीगर ने तैयार किया है। हो सकता है मैं आपको ये 80,000 में दे दूँ। क्या आपके पास इतने हैं? हाँ, शायद है मेरे पास। क्या बोट्स काफी ज्यादा महंगी है? आपके पास बोट है? कौन सी बोट? वो एफ्रोडाइटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ? दामिर, यहाँ के देखो, मेरा टब देखो। चलो बाहर निकलो वहां से, हमें कुछ काम करना है। नहीं, पहले तुम यहाँ पर आओ। मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगी जब तक तुम यहाँ नहीं आते। कम ऑन, फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आज का एक खास दिन है और मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। चलो दामिर, दामिर, रुको।
तुम्हें अभी बताता हूँ। रुको, अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम ऐसा नहीं जा सकती हो। रुको रुको, वापस आओ। मुझे 80,000 रुपए चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? तुमने मेरे कान को काट के बहुत गलत किया है, तुम पागल हो, सच में पागल। पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या तुम मेरी बात सुनोगे डामिर? प्लीज। नहीं प्लीज। मुझे माफ कर दो डामिर। जरा देखो इसे, क्या तुम माफी के लायक हो? कर दो ना डामिर, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं। ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाने तक तैरना पड़ेगा, और ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, सच में ना? तैरते हुए आओगी तो और भी सुंदर लगोगी। चलो बाय। क्या तुम्हें अभी दर्द हो रहा है? हाँ अभी भी दर्द हो रहा है। I'm sorry. अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो तुम ऐसा करते ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बुरा लगा। क्या तुम्हें सच में इतना दर्द हो रहा है? हाँ सच में दर्द हो रहा है। क्या सच में? पर अगर मैं कह रहा हूँ तो सच ही होगा ना, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं डामियन, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है चलो कुछ और बात करते हैं। मुझे लगता है कि घर जाने से पहले हमें टिनोस जाना चाहिए, हम वहाँ एक रात रुकते हैं और रात का मजा लेते हैं। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाँ आराम से संभल कर। डामियर तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी फोटो ले रहा है डामियर, वापस चलो। वैसे तुम्हारी फोटो खींची क्या करेगा, और हम अभी पहुंचने वाले हैं। तुमने मेरी फोटो नहीं ली और बात अभी नहीं दिलाया, अकेले घर जाओ। रुको। Anastasia! Anastasia! मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लूंगा और ये दुनिया तुम्हारी होगी। Anastasia! Anastasia! अपने कैमरे से मैं ये जहां तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो ठीक है, किनारे पर ही मिलेंगे। नाव पे चढ़ जाओ। डामियर मैंने पकड़ ली, लेकिन तुम बहुत तेज हो, मैं अंदर नहीं जा पा रही। तो तुम्हें कूदने को किसने कहा था? हाँ हाँ डामियर मैं जानती हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि तुमने गलती की है तो तुम गलती करती ही क्यों हो? मैं इसे और नहीं पकड़ सकती, धीरे करो प्लीज।
बिल्कुल पकड़ सकती हो। कोशिश करो, चलो, come on, चलो चलो कोशिश करो, तुम कर सकती हो। ठीक है, मुझे बोट पर आने में मदद करो। नहीं, कुछ देर के लिए तुम्हें वहीं रुकना होगा, क्योंकि तुमने जो भी किया है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं और रुकी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम बीमार होने वाली हो। अगर मैं तुम्हारे जितनी ताकतवर होती तो ये रस्सी खींचकर बोट पर आके तुम्हारी पिटाई करती। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? मुझे डर है मुझे चोट जाएगी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऊपर ले लूँ तो दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करोगी ना? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। देखो, तुम्हारा बर्ताव अभी भी अच्छा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। देखो, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ, हम किनारे पर क्या करेंगे? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? नहीं, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। हम देखेंगे उनके पास बेचने के लिए क्या है, हम उनके होटल और रेस्टोरेंट पर एक नजर डालेंगे। मिस्टर एंड मिसेस, डामिर, उन्हें विश्वास नहीं होगा। आइए सर, ये रहा आपका बेहतरीन कमरा। यहाँ से एफ्रोडाइटी भी दिखता है। ओह, ये कितना सुंदर है। और ये आपका बाथरूम है सर। ओह माय, इसे देखो तो। आशा करता हूँ आप दोनों को अच्छा लगेगा। उसे लगता है हम शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल, वो बेवकूफ थोड़ी है। मिस्टर एंड मिसेस कैप्टन पॉलियोफेसिलस। हेलो एफ्रोडाइटी, हम यहाँ होटल में हैं। बाय बाय सन, कल मिलते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? वेल, जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। काश ये मेन्यू मैं चुरा सकता, लेकिन ये काफी बड़ा है। डामिर, क्या हमारे पास भी टूरिस्ट के लिए रेस्टोरेंट होगा? हाँ बिल्कुल, हमारे पास होगा। पता है क्या, सारी ताक झांक करने के बाद मैं हमारे रूम के बाथटब में जाकर नहाऊंगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, पर नहाने के लिए तुम्हें पूरे कपड़े उतारने होंगे। हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एनास्टेशिया, तुम मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है, काफी समय पहले से। प्लीज डामियर। तुम्हें बाथटब कैसा लगा? ओह डामिर। हाँ वैसे तुम्हारी उम्र क्या है एनास्टेशिया? 16। क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी भी याद नहीं है? हाँ मुझे याद है। तो फिर? मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि तुम एक लड़की से औरत बनने वाली हो। I love it.
फिर डामियर। तुमने सही कहा था कि तुम बड़ी हो रही हो, मैं सही हूँ ना? ये बिल्कुल सही है डामियर, मैं बड़ी हो रही हूँ। क्या तुमने सुना? हाँ, वाकई में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ठीक है, जब तुम एक औरत बन ही गई हो तो क्या तुम उसके बारे में जानती हो? क्या तुम्हें किसी ने समझाया है कि औरत होना क्या होता है? हाँ बताओ, किसी ने बताया है? नहीं, कौन बताएगा डामिर? क्या तुम मुझे बताओगे? क्या तुम्हें पता है डामियर? बिल्कुल मुझे पता है, वो भी अच्छे से। तो क्या तुम मुझे बताओगे? हाँ, जब मुझे लगेगा कि तुम इसके लिए तैयार हो। शायद मैं तैयार हूँ। मुझे तो यही पता था कि तुम नहीं हो, पर मुझे फिर से देखना होगा। नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो। हाँ, पर तुम बड़ी हो रही हो। पर अभी और कितना? शुरुआत तो अच्छी है। क्या मैं सुंदर हूँ? शायद इस वक्त नहीं, पर क्या मैं सुंदर बन जाऊंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ मुझे पता है। काश ये सब जल्दी होता। छोड़ो, अब बहुत बातें हुई, चलो अब सो जाओ, सुबह होने से पहले हमें निकलना है। क्या ये ठीक है? इसमें गलत क्या है? यही कि हम एक ही बिस्तर पर सोए। ओ, चलो भी, हम अच्छे दोस्त हैं। पर ये सही नहीं है। अगर हम एक बिस्तर पर सोए तो क्या होगा? हाँ मैं नहीं जानती, तुम बताओ। हमें अच्छे से नींद आएगी। पर क्यों? ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। चलो आओ। जरा संभल के। वाकई में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। आई एम सॉरी। खूबसूरत सुबह है। डामियर, डामियर, प्यार से मेरे दोस्त मुझे डामियर बोलते हैं। वैसे मैं कैप्टन डामियर पेलियोफोलेसिस हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैप्टन पेलियोफोसिस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आपकी फोटोज लेना चाहता हूँ। इसे अपने फोटो नहीं खिंचवाना। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपकी ही फोटोज लेना चाहता हूँ, आपके काम की, आप दोनों की। देखते हैं, पहले मुझे मेयर से बहुत जरूरी बात करनी है और बाद में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ठीक है कैप्टन, मैं आपका वेट करूंगा। हेलो एनेस्थेसिया, खूबसूरत एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया, क्या तुम एक बात को राज रखोगी, एक जरूरी राज? हाँ, शायद नहीं, दरअसल मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। वेल, बिल्कुल हम सब की तरह, मुझे लगता है मैं ये रिस्क लूंगा। बोलो, क्या तुमने किया? हाँ मैंने कर लिया। ना मैंने किया, ना मैंने कर लिया। हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने कर लिया। जरा इधर तो आओ। हाँ। हाँ।
जल्दी दामिर, जाके लोगों को बताओ, तुम्हारे लोगों को बता दो उन्हें। Come on, चलो, काफी सारे यही हैं। देखो, कैप्टन डैमियर पैलिफोलिसस आपसे बात करेंगे, और आप प्लीज ध्यान से सुनिए। बड़ा जहाज आ रहा है। हमें मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत। हमें काफी चीजों की जरूरत होगी। हमें एक होटल बनाना है, और एक रेस्टोरेंट, और एक बार। चीजें जो टूरिस्ट लोग खरीदेंगे, हमें उसकी तैयारी करनी होगी, और हमारा समय बदल जाएगा। एनेस्थेशिया और मैं आपको रोजगार देंगे। क्या आप तैयार हो? कैप्टन पॉलियो फॉसिस, आप कमाल के हो। ऐसा ही हो हमारा कैप्टन। क्या आप खुश हो? ओह डियर, मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरे साथ नीचे आना होगा, आपको मेरे साथ नाचना होगा। नाचोगे ना? हाँ, देखो जंगली बिल्ली आ गई, आपको इसकी पिटाई करनी होगी। हाँ, ये बहुत बुरी है, इसने मेरे कान को काटा था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी है ये। डैमियर, डैमियर उठो। डैमियर, दादाजी, वो बाहर उस बोट में क्या कर रहा है? सूरज सर पे आने तक तो वो कभी उठा नहीं, और वो कर क्या रहा है? आखिर वो कर क्या रहा है? वो काम कर रहा है या कुछ लिख रहा है? हाँ, लिख रहा है। डैमियर, डैमियर, तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। उसने कहा वो काम कर रहा है। एनेस्थेशिया, सबको जगा दो, सुबह हो चुकी है। एनेस्थेशिया, आखिर तुम बेल क्यों बजा रही हो? सबको काम के लिए बुला रही हूँ। डैमियर सबसे मिलना चाहता है, सबसे। वो एक बाथटब अफ्रोडाइटी को बेचने जा रही थी 90,000 में। हे कैप्टन, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल एनेस्थेसिया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेयर साहिबा। बंदा आपके सामने हाजिर है, और ये है मेरी अजीज दोस्त सुप्रसिद्ध मिस विलो। और मैं हूँ आपका खुशकिस्मत सेवक जोसेफ कॉम्बटेर। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, जरूर। ये एक बहुत बड़े फोटोग्राफर है, और ये सभी मैगजीन में छाई हुई है। ये मेरे सारे काम की पिक्चर लेने वाले हैं। मैं सबकी तस्वीर लूंगा। योना, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके आइलैंड को फिल्माऊंगा, ताकि इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया देखे।
इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? जरूर फिल्माओ। मिस विलो, केक लीजिए। जी धन्यवाद। क्या मैं आपको मेयर बुला सकती हूँ? अरे नहीं, मेरा नाम क्लियोपेट्रा है। प्लीज, क्या आप सब लोग स्ट्रॉन्ग आइलैंड कॉफी लेंगे? इसकी जैकेट सुंदर है ना? कोई खास बात? फादर, मेयर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेयर डेमिर, सुझाव तुम्हारा है, तुम्हें बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आइडिया अगर आप बताती तो ज्यादा अच्छा होता। मेरी नजर में ये बेहतरीन सुझाव है। अब उन्हें बता दो कि वो क्या है। फादर, हम होटल बनाना चाहते हैं और मैंने सोचा है कि मेयर और मैंने सोचा है कि आपके गिरजाघरों के लिए, मतलब कि अगर हम आपके गिरजाघरों में होटल बनाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। नहीं दामिर, ये मेरा घर है और वो एक स्कूल है। हाँ जरूर है, पर वहाँ होटल बनने के बाद। मेरा स्कूल ही क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो बिल्कुल सही जगह पर है और उसमें एक टॉयलेट भी है और वो बहुत जरूरी है ना मेयर? दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरा स्कूल कभी होटल नहीं बनेगा और उसका टॉयलेट भी काम नहीं करता। ठीक है फादर, इसका फैसला जनता करेगी। फादर फादर, आपने अपना वोट नहीं डाला। अगर होटल के लिए 150 वोट पड़े और स्कूल के लिए 149, तो कम ऑन फादर, अपने स्कूल की मदद करो। चलो भी। दामिर, तुम हमेशा से शैतान ही रहे हो। ये तुमने ठीक नहीं किया, समझे? ये होटल बनाने का फैसला लोगों का है फादर। तुम कुछ और फिल्में लाए हो दिखाने के लिए? मन लगा के काम करोगे तो आज ही रात देखने को मिलेंगे और वो भी फ्री। क्यों, वो इतनी बुरी है? क्या नाम है अब बताओ भी। लोगों का दुश्मन। ओह, मतलब लोगों का दुश्मन। दामिर, मेरा नंबर कब आएगा? तुम्हारा नंबर क्या है? उसने मुझे दिया ही नहीं मेरा नंबर। 18 नंबर है, 18 नंबर है उसका। अब देखो, 13 नंबर जो है वो वहां से शुरू होगा और वहां पे खत्म होगा, तो तुम्हारा नंबर है 18। लोगों का दुश्मन किधर है? रस्सी कसकर बांधना। जरा सा होठों के ऊपर, ज्यादा नहीं। जरा सामने देखो। हाँ बहुत अच्छे। तुम्हें पसंद आया? लगता तो है। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे बेहद पसंद आया। मुझे भी। थैंक यू। यू वेलकम। अब हम तुम्हें एक शानदार ड्रेस पहनाएंगे। अब जैसे ही मैं छोर पर पहुंच जाऊं, सभी लोग खींचना। ठीक है, खींचो खींचो। हाँ चलो खींचो और दम लगा के। चलो दोस्तों खींचो। शाबाश। बहुत बढ़िया। अब कुछ नए पोज देकर मुझे बताओ। एनेस्थेसिया, बिलो को देखो, उसे कॉपी करो। मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा, कोशिश करो। मुझे डर लग रहा है। किस चीज से?
मैं नहीं जानती। एनेस्थेसिया बहुत सुंदर, एकदम खूबसूरत। जरा सा सीधे, थोड़ा बाएं भीज कर। अब आके कैमरे पर, चिन थोड़ा डाउन, थोड़ा और डाउन, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ऊपर। डामिर, तुम यहां? हाँ, मैं आ गया। जो यहां मेहनत कर रहा है। और तुम क्या कर रही हो? सब लोग काम कर रहे हैं और तुम समय बर्बाद कर रही हो। चलो नीचे आओ। डामिर, प्लीज। मैं दादाजी के लिए कुछ लेकर जाऊंगा, कुछ बेहतरीन तस्वीरें। कम ऑन कैप्टन, आज दिन अच्छा रहा है। मैं कुछ बढ़िया सी वाइन ले जाऊंगा यार्ड से, जो सबका सुरूर बना देगी। ठीक है ना कैप्टन? देखो तुम मुझसे दूर रहो। आई एम सॉरी। क्या अमेरिका सच में ऐसा है? ओ हाँ, और पूरी रंगीन भी है। पर वो लोग तो सभी इटालियंस हैं। सारे अमेरिकन्स कहाँ हैं? वैसे फिल्म बुरी नहीं है। Ha ha ha.
इधर आओ, यहाँ पे जैकेट उतार दो अपना। गुड, बैठ जाओ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। छोड़ दो दामी। छोड़ो, रुको तुम। छोड़ो मुझे। रुको, तुम उसे मार डालोगे। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। ये सच नहीं है, मैंने केवल शर्ट सीधी की। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें क्या लगता है मैंने बदतमीजी की? मुझे पता है तुमने किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। प्रॉमिस करो उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो मुझे। कैप्टन, अगर मैं एक छोटे लड़के की शर्ट आगे से छूता तो क्या तुम मेरा पीछा करते? एनेस्थेशिया कोई लड़का नहीं है। ओह, मुझे पता नहीं था तुम ये जानते हो, तो उससे ऐसा बर्ताव करते क्यों हो? मैं उससे लड़के जैसा बर्ताव नहीं करता। दोस्तों देख लो इसे, ये लड़ना नहीं चाहता, ये भागना चाहता है, पर इसे लड़ना पड़ेगा। ओ, अब नीचे भी आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा। देखो कैप्टन, मैं तुम्हें थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्यों ना हम ये खत्म करें, हम वापस अंदर चले और कुछ वाइन की बोतलें खत्म करें। तुम नीचे आके मुझसे लड़ते क्यों नहीं? हाँ, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम सच में जानते हो लड़ते कैसे हैं? मतलब वाकई? अगर तुम नीचे आओ तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे लड़ते हैं, समझे? क्या ये तुम्हें खुशी देगा कैप्टन? हाँ, मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी, और मैंने एनेस्थेसिया से वादा किया है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा। अब तुम दोनों तब तक लड़ोगे जब तक एक को पानी में नहीं फेंक दिया जाए, और तब तक तुम्हें से ढेर कर दूंगा। यह मेरे सही नहीं है, तुमने वादा किया था मुझसे। मैं तुझे धूल चटा दूंगा, समझा? बकवास बंद करो। दामिर, चलो मुझे अपने जूते दिखाओ। हाँ, ये तो गीला है। क्या मैं तुम्हारे लिए वाइन खरीदूं? अगर तुम मुझे कल यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हमारी लड़ाई तुम्हें खुशी देगी? पर अब तुम खुश नहीं लग रहे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो दामिर। मैं बहुत खुश हूँ। ब्रेव कैप्टन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सूरज उगाया है और मैं जा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या? ओह नो, एनेस्थेसिया! मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम एक औरत हो, बहुत खूबसूरत औरत, और तुम्हारा कैप्टन ये बात जानता है। हिम्मत है तो यहाँ के बात कर। गुड बाय और गुड मॉर्निंग। गुड बाय, गुड बाय। क्या तुम ऑमलेट खाना पसंद करोगे?
तुम तो मुझे मुड़कर भी नहीं देख रही हो। अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो तुम। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि यह दुख की बात है। इसमें कौन सी दुख की बात है? डामिर, तुम्हें किसी और घर जाना होगा। कोई और घर मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अब तुम यहां नहीं रह सकते। अब और नहीं। अब और नहीं मतलब? तुम्हारा मतलब मैं अपने ही घर में नहीं रह सकता? ये तुम्हारा घर नहीं है डामे। क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर नहीं है? ये घर डिमेट्रियोटिस का है। अच्छा, तो ये घर उसका है। ये मेरा घर है। ऐसा नहीं है। तुम एक डिमेट्रियोटिस नहीं हो, तुम पैलियोफॉसिलिस हो। और तुम पागल हो चुकी हो। नहीं, मैं एक औरत हूँ। क्या क्या कह रही हो तुम? कि मैं एक औरत हूँ दादाजी। बाबा, मुझे लग रहा है कि ये पागल हो चुकी है। मेरे पास आओ। दामिर, ये क्या हो रहा है? उसे लग रहा है कि ये बड़ी हो चुकी है और इसीलिए सब कुछ कर रही है, समझे आप? वेल, मेरी नन्ही लड़की, तुम्हारे बाबा बूढ़े और बहरे जरूर हैं, पर वो अंधे नहीं हैं। आपस में प्यार से रहो। दामिर, जब समुद्र तुम्हारा परिवार ले गया, तब तुम सारे साथ रहने आए, एनेस्थीसिया और अपने बाबा के साथ। तुम सब बच्चे थे, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। बात अब अलग है, तुम समझ रहे हो ना? अब एनेस्थीसिया बड़ी हो गई है और मैं बेघर हो चुका हूँ। वेल, तुम सगे नहीं हो और किताब कहती है कि एक आदमी और एक औरत, एक आदमी और एक औरत तभी साथ रह सकते हैं जब वो सगे हो या शादीशुदा। बताओ मुझे, तुम एनेस्थीसिया के बारे में क्या महसूस करते हो अभी? नहीं दामिर, क्या तुम एनेस्थीसिया को पसंद करते हो? बेशक करता हो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। वेल, उसे एक दोस्त और रक्षक की जरूरत थी, अब उसे एक मर्द चाहिए और वो ये नहीं चाहती कि कोई मर्द उसके घर में किसी और कमरे में रहे। वो चाहती है एक साथी अपने बिस्तर पे। क्या एनेस्थीसिया तुम्हें प्यार करती है? पता नहीं। क्या तुम उससे प्यार करते हो? प्यार एनेस्थीसिया? हाँ, प्यार एनेस्थीसिया से। मुझे पता नहीं। मैं यहां अपना सामान लेने आया हूं। मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है डामिर, एक पैंट शर्ट को छोड़कर जो अभी गीले हैं। मुझे माफ कर दो डामिर। वैसे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सॉरी, क्योंकि तुम्हें जाना पड़ रहा है। ये बहुत बुरा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो। वक्त अच्छा गुजरा जब मैं एक लड़की थी। तो इतना हंगामा क्यों किया कि तुमसे एक औरत की तरह बर्ताव किया जाए? क्योंकि मैं एक औरत बन गई हूँ। जब तुम बड़ी हो रही थी तो मैंने तुम्हें संभाला। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा। बहुत अच्छे से। मैं बस ये तुम्हें बताना चाहता था। पेपेटा सही कह रही है, हम सगे नहीं हैं।
ना ही हम शादीशुदा हैं। मैं एक आदमी हूं और तुम एक औरत, इसमें बहुत फर्क है। मुझे माफ करना कि मैं एक औरत हूं। चलो ठीक है, मुझे अब काम पे जाना होगा। हाँ, मुझे भी काम पर जाना है। हाँ, अगर चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। वेल, अगर तुम चाहो। दामे, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा डिनर तैयार करूं? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे करने दो। वेल, अगर तुम चाहो तो। मैं करूंगी। डामियर, डामियर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डामियर नहीं, मैं दूर घाटियों में जा रहा हूँ और वो यहाँ से काफी दूर है। ठीक है, मैं भी चलूंगा। चलो बुतरो, तुम्हारा स्टॉप आ गया। अरे चलो बुतरो भी। ये क्या? ये काफी चौड़ा है। ये मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे अपने हाथों से उखाड़ूंगा और तुझे बाहर आना होगा। सुना तुमने? एनेस्थेसिया, आज का क्या दिन था, क्या दिन था आज का। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? मैं थक गया हूँ।
चलो तुम्हें खाना देती हूँ। तुमने ऐसा क्या किया कि इतने थक गए हो? ये एक सीक्रेट है। एक सीक्रेट? मैंने सुना तुम मोटरसाइकिल ले गए थे। तुम कहाँ गए थे? बताओ डामियर, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तब मुझे बताओगे ना? हाँ, ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे हमने उस रेस्टोरेंट में देखे थे, है ना? पर डामियर, मुझे वो सीक्रेट जानना है। तुम मुझे वो राज बताओगे ना डामियर? तुम्हारा राज और दिलचस्प हो जाएगा अगर हम दोनों को पता हो। मेरा मतलब और कोई भी नहीं, बस मैं और तुम। क्या तुम मुझे कान में बताओगे? सबसे पहले तुमने जो अपने मुंह पे फालतू मेकअप लगाया उसे धो लो। क्या तुम इसे पूरी जिंदगी भर लगाना चाहती हो? हमेशा हमेशा के लिए? हाँ। तुम अभी नहाना नहीं चाहती? नहीं, कभी नहीं। तुम में से बदबू आ रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक औरत का खिड़की से कूदकर समुद्र में नहाना शोभा नहीं देता है। किसी लड़के या बच्ची के लिए ठीक है, लेकिन एक औरत के लिए नहीं। वैसे ये बहुत बढ़िया बाथटब है और ये दुनिया में सबसे बड़ा है। उससे एलर्जी होती है और ठंड भी है। तुम में से सच में बहुत बदबू आने वाली है। उम्मीद है ऐसा ही हो। उम्मीद करती हूँ मुझ में से इतनी बदबू आई कि तुम चक्कर खाकर बेहोश हो जाओ। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। हाँ हाँ, सो जाओ। और कहाँ कहाँ सोओगे तुम? मुश्किल है ना? पहले बताओ मेरा बिस्तर कहाँ है। छत पर है। डामे, कहते हैं एक आदमी एक औरत के घर में नहीं सो सकता, पर ऐसा तो नहीं कहा कि घर के ऊपर नहीं सो सकता? क्या तुम मेरा सारा काम संभालोगी? तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा क्या हुआ पसंद नहीं आएगा? तुम बॉस हो। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम हो मेरी असिस्टेंट, इसीलिए तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। और तुम अपने सीक्रेट के पास जाओगे? मुझे जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, मैं मजबूर हूँ। ये ठीक नहीं है क्लियोपेट्रा, ये ठीक नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बनेगा, बेहद खूबसूरत। नहीं क्लियोपेट्रा, ये मेरा स्कूल होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। और वो शिप नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। शिप आएंगे? नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे यहाँ? वो यहाँ आएंगे। एनेस्थेसिया, क्या दामिर तुम्हारे घर से बाहर हुआ? उसे पहले, बहुत पहले बाहर निकल जाना चाहिए था। हाँ फादर, वो घर से बाहर है और शिप जरूर आएंगे। दामिर सपने देखता है,
और सपने केवल रातों के लिए होते हैं। हार मान लो। हार मान लो। दामिन, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत नया है। क्या उस सीक्रेट ने ऐसा किया? हाँ, उसके लिए शैतान के साथ लड़ना होता है और वो बहुत क्रूर और खतरनाक है। तो ये एक बुरा सीक्रेट है। हाँ, वो बुरा है क्योंकि वो एक शैतान के पास है, लेकिन जब मैं उसे ले लूंगा तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो सीक्रेट मैं एक परी को देने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं नहाने जा रहा हूँ अपने बाथ टब में और उस शैतान की धूल को अब मैं धो दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि चट्टानों से ना फिसलो। हम दोनों ध्यान रखेंगे। नहीं, मुझे नहीं आना। मैं तुम्हारे चेहरे से शैतान की धूल हटाऊंगा और इस आइलैंड को उसके एनेस्थेसिया लौटाऊंगा। डामिर, I hate you। खैर, वो तो तुम हमेशा से ही करती हो। ये सच नहीं है। सच में? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच कह रही हूँ। ओ, ऐसा तुम मुझे रोकने के लिए कर रही हो? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत करूंगी अगर तुमने मेरा चेहरा धोया तो। मैं सच कह रही हूँ, बहुत नफरत करूंगी। डामिर, मैं सच में नफरत करूंगी। डामिर, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। डामिर, एनेस्थेसिया से छोड़ दो, चलो छोड़ दो, छोड़ो मुझे। अब तुम्हारे पास सच में मुझे नफरत करने के लिए कारण होगा। अब हम इस चेहरे को धो देंगे। बहुत बढ़िया। तुम्हारी नफरत का ये मतलब नहीं कि तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर आइलैंड तैयार नहीं हुआ तो जहाज कैसे आएंगे? जहाज नहीं आएंगे तो तुम पछताओगी। अगर खाना नहीं है तो मुझे तुम्हारी फैंसी वाइन पीनी होगी। डामिर, I hate you। मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी कभी भी नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। खैर, ऐसा करना जरूरी था। अब तुम में से बदबू नहीं आएगी। तुम झूठे हो दामिर, तुम नहीं जानते कि मैं सच में बड़ी हो चुकी हूँ, समझे तुम? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पहले बच्ची थी, अब नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, अब तुम औरत हो। गुड नाइट। वैसे तुम अभी बहुत सुंदर लग रही हो। On a love song I wore to love, never know when it was you my heart was dreaming of. So it stayed a secret, I never tried to say I love you. Once upon a love song I fell in love with you.
upon a love song childhood never knew. Through the years I've cried your tears and laughed along with you. Can't you hear the music saying I have always loved you? Once upon a love song, a song to be sung by two. You got a daydream, I'm gonna make it come true. 'Cause there is nothing a man who's in love cannot do. I'd fly the heavens or set sail for Timbuktu. 'Cause I love song played when we are near. Listen to that distant melody every day more clear. Soon you'll know the secret of the song that says I love you. Once upon a love song, you know I'm singing to you. Once upon a love song, darling, once upon a love song, you know my song is you. एनास्टेसिया, क्या तुम मुझे टॉवल दोगी? कितना अच्छा लगता है कि घर में औरत हो और वो ना बोले। एनास्टेसिया, मेरा टॉवल कहाँ है? तैयार हो जाओ, बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने भीगे हुए भगवान आ रहे हैं। आओ चलो भी, अब मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम मुझे छुप के देख रही थी। मैं नहीं देख। तुमने उससे बात न करने का फैसला किया है। तुम झूठे हो, मैंने नहीं झांका। मैं क्यों देखूंगी? तुम्हें ऐसे देखने का मुझे कोई शौक नहीं। देखो, तुमने झांका था। मैं बिल्कुल भगवान जैसा हो, और भगवान बदसूरत नहीं होते। मेरी तरफ देखो, अब जरा देखो भी। एनास्टेसिया, मैं तीन तक गिनूंगा। एक, दो, तीन। मैंने खोली खोली। तुम्हें पता है तुम क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि तुम अभी तक औरत नहीं बनी हो। और इसमें अंतर क्या है, बता? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुमने कपड़े पहने हुए हैं, तुमने पैंट पहनी हुई है। क्या सच में? डामिर, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने कुछ तो पहना है। ठीक है, क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो। मैं जानती हूं तुमने कुछ नहीं पहना।
तेशिया, रुक जाओ, वापस जाओ, वहीं खड़ी रहो। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? वहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट देखना था। देखो, तुम इसे नहीं देख सकती हो। क्या वो सीक्रेट यहीं पर है? वैसे तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे वो देखना है। अब तो मुझे पीट सकती हो। सब लोगों को पिक्चर देखनी है, क्या ये ठीक रहेगा? बढ़िया है, हम कुछ सैंडविच और वाइन के साथ पिक्चर देखेंगे। ये लो। डामिर कहाँ है? मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। स्लियोपैट्रा, डामिर अजीब है। उसका कोई सीक्रेट है। एक सीक्रेट, पता नहीं आखिर वो क्या होगा। पियो एनेस्थीसिया, ये लो, थोड़ा और लो, मजा आ लो पिक्चर का। मुझे याद है ये सब जब मैं ये अपने पति के लिए करती थी, पर हो सकता है तुम उनसे भी थोड़े प्यारे हो। ये लो, जाओ, जल्दी जाओ। Anastasia!
देखो वो आ गई। अरे वो एनेस्थेसिया है। ओ कितनी प्यारी लग रही है, देखो देखो। आज तो वो बहुत खुश होगी, उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज जो है। ओ एनेस्थेसिया, वो देखो कितनी सुंदर लग रही है। एनेस्थेसिया आओ आओ यहाँ आ जाओ, वो देखो तुम्हारे लिए क्या है। हे, आओ आ जाओ। देखो ये तुम्हारा टब है एनेस्थेसिया, ये तुम्हारा टब है। मेरा टब? आखिर में कह दिया कि वो तुम्हें अपना साथी और संगिनी बनाना चाहता है। बता दो, जल्दी बता दो, इसके पहले कि मुझे हार्ट अटैक आए। मैं दावे से नहीं कह सकता। चलो अब हाँ भी बोल दो। क्या तुमने देखा? ठीक है, अब हम रस्मों को शुरू करेंगे। क्या तुम दामिर पॉलियोफोसिस इस स्त्री एनेस्थेसिया को कानूनी तौर पर अपनी पत्नी स्वीकारते हो? एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो, यही मेरा आशीर्वाद है। देखो जहां जा गया। ओ एनेस्थेसिया, दामिर बहुत अच्छा है। तुम मुझसे शादी कर रहे हो? I love you. Oh, thank you. तुम मुझे किस करोगे? शायद मैं पहली बार ठीक से ना कर पाऊं तो तुम्हें मदद करनी होगी। Sail to find our destiny.
was meant to share in our